उन्होंने नहीं खरीदी, उन्होंने खरीदी। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज दिनांक 21 मई मंगलवार का दिन और देपालपुर पशु मंडी देख रहे हैं। देपालपुर पशु मंडी से देख सकते हैं दोस्तों, अभी समय सुबह के करीब करीब 9 बज रहे हैं, 9:05 हुए हैं शायद। और देख सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको पहले गाबन भाकड़ी में सो की मंडी में पहुंचे हैं। आज काफ़ी हम जल्दी आए हैं इस मंडी में, क्योंकि हम आते हैं लेट, तब तक काफ़ी वैसे सेल बिक जाती है दोस्तों। देपालपुर पशु मंडी गाबन जो भाकड़ी में से, इसके लिए भी फेमस मानी जाती है, क्योंकि इस मंडी में गाबन भाकड़ी में से बहुत अच्छी अच्छी या भारी मात्रा में भी पहुंचती अच्छी मिलती है। और यह मंडी प्रत्येक मंगलवार के दिन लगती है और इंदौर जिले में यह मंडी आती है। अभी 3-4 रोज से काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, गर्मी का करीब 45 डिग्री तक पहुँच जाता है जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। और यह इंदौर की मंडी है, तो इतनी जो कड़ी धूप है इसमें भी हम आपके लिए एक डेली जो मंडियां होती है, तीनों मंडियां यहां से वीडियो तैयार करके लाते हैं, जो हमारी दिन भर की मेहनत लगती है इस वीडियो में। तो वीडियो को जोरदार लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, और पहली बार आप हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बता सकते हैं वीडियो, आपको हमारी वीडियो जानकारी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में। कुछ भाइयों की, एक भाई की कमेंट आ रही थी कि देपालपुर मंडी से हमें धानी भैंस भी बताए, तो आगे वीडियो में एक दो भैंस बताएंगे। तो देख लीजिए कि जाफरा नस्ल की भैंस से बहुत बड़ी हाइट है, देखिए आप। बहुत ही शानदार है दोस्तों, हाइट की बात करें तो फुल हाइट है भैंस की, आप बोल सकते हैं हाथी जैसी भैंस है, हाथी का बच्चा है। भैया क्या हालचाल है, बढ़िया है। कहाँ से आए हो? चौराना। अच्छा, तो भैया क्या लगा रहे हो कीमत इसकी? 1,10,000। 3 महीने गाबन है, 3 महीने गाबन है दोस्तों। 1,10,000 रुपये इसकी डिमांड रखी गई है, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, फुल हाइट है भैंस की, जाफरा नस्ल की भैंस है। तो भैया कितने क्या लग रहे हैं आज मंडी में इसके? 85,000। अच्छा, 85,000 तक लग चुके हैं। और अभी दूध कितना क्या निकाल रही है? 5 लीटर टाइम का, 10 किलो रोज का दे रही है अभी का। अच्छा, आपकी क्या इच्छा भैया आखिरी? अपनी एक के आसपास में, ठीक है भैया। देखिए जाफरा नस्ल की भैंस बहुत ही शानदार, फुल हाइट है दोस्तों भैंस की। दोस्तों यहाँ पर जो देपालपुर पशु मंडी में जो डॉक्टर होते हैं, यहाँ पर भैंस चेक करते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। अभी हमें सचिन भाई दिखे हैं, उनसे हम कुछ आज की पशु मंडी की जानकारी लेते हैं। सचिन भैया कैसे क्या है आज मंडी का माहौल? अच्छे, मंडी बहुत भैंस आई थी। कुछ भैंस वगैरह दिलाई किसी को? दिलाई भी है, 3 भैंस खरगोन वाले को दिलाई, 3 भैंस और 3 गाय दिलाई विदिशा वाले, 3 गाय विदिशा वाले को। तो विदिशा वाले की तो वीडियो भैया हमने कर ली कवर, बाकी भैंस की वीडियो हम आए उससे पहले आपने दिला दी, तो वो कवर। तो किस रेंज में दिलाई भैया, भाकड़ी थी के दानी? 57 और 60 की। अच्छा, बड़ी बड़ी भैंस 5-5 महीने की गाबन थी, 5-5 महीने गाबन थी, बड़ी बड़ी भैंस 5 महीने थी, 4.5 महीना और 5 महीने। अच्छा, 5 से 6 पशु आज दिलाए भैया मंडी में। तो उनका संपर्क कैसे, वीडियो के माध्यम से ही हुआ था आपसे? वीडियो के माध्यम से हुआ था, कल फोन लगाया था। अच्छा, तो चले थे वो जी? अच्छा जी। तो दोस्तों गाय की वीडियो तो जो भैया विदिशा से आए हैं उनकी हमने कवर की है, शाम को 6-7 बजे के आसपास में शायद वीडियो आएगी, तो आप जाकर देख लेना कैसे क्या है। और अभी जो भैंस की वीडियो है इसमें हम आए तब तक भैया भैंस दिला चुके थे और वो निकल भी गए थे, तो उनकी वीडियो हम कवर नहीं कर पाए। तो भैया आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए आप एक बार, यदि और कोई ग्राहक भी आपसे, कस्टमर आपसे जुड़ना चाहे। मोबाइल नंबर 7489 जी, 8969 जी, 69 जी, 1012। अच्छा, तो भैया कौन कौन सी मंडियों में विजिट करते हो आप? अच्छा, चारों मंडियों में। तो दोस्तों देपालपुर जो मंडी है भाकड़ी भैंस और गाय के लिए मानी जाती है, यहाँ पर मंगलवार के दिन लगती है, इंदौर जिले में आती है। और जो ढूंढड़का की मंडी है, तानी भैंस मिलती है वहाँ पर, ये रविवार के दिन लगती है और मंदसौर जिले में आती है, मध्य प्रदेश की मंडियाँ है दोनों, ठीक है भैया। और आज कैसे क्या रहा आपका? बहुत बढ़िया एकदम। घोंसला में भी आते हो आप? घोंसला में भी, आष्टा में भी,
देवास, मक्सी, सभी मंडियों में जाते हैं। भैया डॉक्टर हैं जो घोसला पशु मंडी में भी आते हैं और देपालपुर में भी आते हैं। एक आध बार हमने इनकी वीडियो भी बनाई थी। तो भैया सटीक जानकारी मिलती है आपके द्वारा? जानकारी मिलेगी आपको डेढ़ महीना सवा महीना तक भी मिल जाती है। सवा महीने की भेद बता देंगे आप। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? अमिताभ कुरैशी। अच्छा, नागदा देवास जी। ठीक है भैया, के नीचे बच्ची बच्चिया है, पाड़ी है, इसके नीचे देख लीजिए, और एक ये वाली है। तो ये 4 महीने गाभन है। अच्छा, देख लीजिए 4 महीने गाभन है और 4 किलो के आसपास में इसका दूध बताया जा रहा है। देपालपुर पशु मंडी से आप वीडियो देख रहे हैं जो प्रत्येक मंगलवार के दिन लगती है मंडी और इंदौर जिले में आती है और गाभन भाखड़ी में इसके लिए फेमस है। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ से आए हो? अच्छा, खरीदी के? अच्छा, कितनी भैंस खरीदी आपने? 4 भैंसें खरीदी। क्या नाम है आपका? राधेश। अच्छा, तो दोस्तों 3 से 4 भैंस खरीदी है भैया ने जो घोसला के पास में गांव है हजरतपुर, यहाँ से पहुँचे हैं। घोसला मंडी में जाएगी शायद, भैंस लगेगी है। तो कितने में खरीदी है? कितने में खरीदी? 82,000। ठीक है, बांध दीजिए। 82,000 में ये वाली भैंस खरीदी है। कद काठी बढ़िया है इसकी और हाइट वगैरह भी बढ़िया है। और ये वाली 45,000। अच्छा, ये 4 महीने प्रेग्नेंट है दोस्तों। 45,000 में ये खरीदी है भैया ने, देख लीजिए आप। इसके नीचे भी कुछ है दूध अभी अवेलेबल। और वो बच्ची किसकी है? उसकी है ना? अच्छा, इस वाली बड़ी भैंस की है बच्चिया अभी, ये वाली इस बड़ी भैंस जो अभी आप देख रहे थे। और अभी इसके मंडी में अभी ग्राहक भी लग रहे हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो खड़े हैं यहाँ पे लेने वाले हैं इस भैंस को। अभी सौदा चल रहा है इसका। और आप दोस्तों फिर भी कीमत को लेकर आप वो ये ना कहिए कि थोड़ी महंगी है सस्ती है, क्योंकि यदि ग्राहक पास में होते हैं तो कीमत सही नहीं बताई जाती है, कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है वो। ₹77,000 लगा दिए दोस्तों। और इसके देखिए आप, 82,000 रुपये भैया ने बताई है कीमत, वही जो कीमत बता रहे हैं कि 82,000 लूंगा इसका। 82,000 रुपये बता रहे हैं जो हजरतपुर वाले भैया है वो, और 78,000 रुपये इन भैया ने लगाए हैं। सबके पेट लग गए, हम भी पड़ रहे हैं उठने का। हां, हमारे माल में कहां से पेट लग गए और कहां से? अरे बाबा छोड़ो, तुम नहीं ये कर दो यार, रखेगा तो कुछ ईमानदार रखेगा तो बोल दूंगा बस। नहीं मेरी यह गलत बात, मैं पूछूंगा नहीं, पूछे गलत बात, ईमानदारी गलत। अरे पूछूंगा नहीं, दूसरा भी दईरा पर मेरी बात अबल में आया ना, मेरी हाथ लग गई, मैं जा ले जाऊं ये। अरे यार सुमित है जो ईमानदारी कही जाए, अरे नहीं मरेगा ईमानदार जी। कैसे लगी जो साल मांगी बोले तो बोल, एक काम करो, एक जो अच्छी बात है बस। हाँ और खोलो भाई, देख सकते हैं इसका जो भी लाइव सौदा होता है हम आपको
बताते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। करीब अस्सी हजार रुपए तो इसके लगा दिए हैं जो अंकल जी खड़े हैं उन्होंने, और भैया 80,000 रुपए कीमत कर रहे हैं भैया। तो देखते हैं जो भी होता है सौदे में क्या होता है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, इससे आपको एक आइडिया लगेगा आपको कि कैसे क्या सौदा होता है मंडी में। अस्सी हजार 500 लगा दिए हैं इन्होंने, वो भैया 80,000 ही भर दोस्तों। जो भैया ने जो कीमत बताई थी हमें हजरतपुर वाले ने भैंस की, वही सटीक कीमत ही समझ लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने भैया 80,000 रुपए बताए ना, तो वो भैया 80,000 रुपए पर ही अड़े रहे, क्योंकि 80,000 उसके लगा दिए भैंस के मंडी में। अभी जो भी सौदा चल रहा था इसका, पर नहीं दी उन्होंने, भैया 80,000 पर भी अड़े रहे। शायद और 1,000 रुपए, मेरे अनुमान से 1,000 रुपए ये कम कर लेते इस भैंस के, 81,000 के आसपास में दे देते। हाँ जाओ ले जाओ, हो गया है सौदा दोस्तों। जो वो अंकल जी आए थे उन्होंने नहीं खरीदी, उन्होंने खरीद लिए। आपने खरीदी कितने में? 80,000। कितने में हुआ सौदा? 80,000। ठीक, इतना ही लगभग बताया था आपने, यही होता है, सही अनुमान बताया था। ठीक है सर, देख लीजिए 80,000 में दोस्तों इसका सौदा हो गया है। ये वाली भैंस जो भी आप करीब 4-5 मिनट से इसका लाइव सौदा देख रहे थे, कहाँ से आए हो आप? उज्जैनी से। उज्जैनी, अच्छा ठीक है। क्या नाम है? प्रेम सिंह पटेल। उज्जैनी प्रेम सिंह जी पटेल, ठीक है साहब। दोस्तों बहुत दिनों से किसी भाई की शायद कमेंट आ रही थी कि जो पशु मंडी में जो करीब 2 साल 2.5 साल 1.5-2 साल की जो पाड़िया होती है वो हमें बताएं। तो आज हमें दो बच्चियां दिखी है देपालपुर पशु मंडी से, तो इनको देखिए आप, देख लीजिए हाइट वगैरह। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दोनों के दोनों बच्चियां है, हाइट देख लीजिए, भैंस की तुलना कर लीजिए आप, भैंस की भैंस दोनों का 65,000 रुपए दोस्तों इसकी इनकी कीमत रखी गई है। क्या मांग रहे हो? 65,000 रुपए, अच्छा। और आखिरी कहाँ तक हो जाएगी, एक अनुमान बता दीजिए हमें। 60,000 रुपए। 60,000, ठीक है साहब। कहाँ से आए हो? नर्सरी, ठीक है भैया। 60,000 रुपए दोस्तों एक डिमांड बताई गई है इनकी फाइनल। तो यही कुछ दोस्तों, मेरे अनुमान की बात करूं तो दोनों जो बच्चियां है करीब करीब 40,000 के आसपास में मिल जाएगी, बिक जाएगी यदि सौदा सही बैठता है तो। और आज कुछ जाफरान नस्ल की एक भैंस जा रही है, बहुत बड़ी हाइट है, उसको भी कवर करेंगे। पहले इस वाली एक जाफरान नस्ल की छोटी भैंस है, इसको देखिए आप। भैया क्या कर रहे हो कीमत? 45,000। कितने महीने? हेलो, क्या महीने? गाबन है, डेढ़ से दो महीने। 45,000 रुपए दोस्तों इसकी डिमांड रखी है, देख लीजिए आप। वो डेढ़ से दो महीने के आसपास में गाबन बताई जा रही है, कदकाठी मीडियम में छोटी है बोल सकते हैं, इतनी बड़ी नहीं। सिर्फ आगे से देखा था, हमें लगा कि दूसरे सेकंड क्षण में जनेगी है,
तो 45,000 रुपये इसकी डिमांड बताई जा रही है दोस्तों, डेढ़ से दो महीने गाबन बताई जा रही है, पर जो कीमत भैया ने बताई है थोड़ी मेरे अनुमान से ज़्यादा है। तो कितने क्या लग रहे हैं भैया मंडी में आज इसके? इसके 35,000। 35,000 तक लग रहे हैं। क्या इच्छा है आपकी आखिरी? 40। 40 कहाँ से आए हो? ये छोटी कार से आए। अच्छा ठीक है भैया। एक दोस्तों ये वाली भैंस है, इसका भी सौदा चल रहा है, देखते हैं हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में। जो गाबन है भैया है ना, कितने महीने? चार महीने प्रेग्नेंट है, और देख सकते हैं इसी का भी लाइव सौदा चल रहा है। तो हाँ थोड़ी घुमा दो, कितना क्या दूध दे रही है भैया? दूध इसके पास में 3-3.5 लीटर। कहाँ से आए हो आप? ये नरसिंहगढ़ से, सोवन की। क्या कर रहे हो? कीमत कीमत क्या लगा रहे हो? कीमत इसके 60 से कहीं भी ऊपर ही देंगे। अच्छा ठीक है, मान लो मान लो। देख सकते हैं इसी भैंस का भी सौदा चल रहा है, तो दिखाते हैं जो भी होता सौदे में। अरे उतर लेगी वहाँ, 5 मिनट अच्छी लागे तो चलो अगर चलो। देखते हैं जो विनोद भाई की भैंस है इसको बताते हैं। जय श्री महाकाल भैया। देख लीजिए लगभग दोस्तों 1-1.5 हजार का लगभग का डिफरेंस है इसके सौदे में हो गया है सौदा। हमारी कसम 2,000 खर्चो बोल दिया, अपन बहुत है, फाइनल है। अरे नहीं इतनी मत करो, दोस्तों करीब सौदा चल रहा है इसका, करीब आसपास में हम बात करें इसकी तो करीब 51-52 हजार के आसपास में सौदा होगा इसका शायद। लकड़ी का भी आना चाहिए, लकड़ी का। यहीं से हो? बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों 51,000 में सौदा हुआ है। हमने भी यही कुछ बताया था 51-52 हजार के आसपास में ऐसा ही कुछ चल रहा था सौदा। 54,000 रुपये जो विनोद भाई है वो कर रहे थे फाइनल, पर 51,000 में हो गया सौदा। जो घोसला के हैं वो ले जा रहे हैं इस भैंस को। एक इस वाली को देखिए, इस वाली भैंस को। जो भैया गाबन है क्या? 5 महीने। कहाँ से आए हो? बछोड़ा, गौतमपुरा के आसपास है कहीं पे, गौतमपुरा के आसपास है बछोड़ा। हाँ तो क्या कर रहे हो? कीमत भैया 55,000। कितने महीने? 5 महीने। देखिए 55,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी है, 5 महीने प्रेग्नेंट है ये, देख लीजिए आप। भैंस की दोस्तों बात करें तो
आपको एक बार एडर क्वालिटी दिखाते हैं पीछे से, उसके बाद आगे आगे की जानकारी देंगे। दोस्तों कीमत की हम बात करें तो यही कुछ 42-43 के आसपास में जाएगी। आखिरी क्या इच्छा है भैया? छियालीस ठीक है, मान दीजिए। दोस्तों एक इश्वली भैंस को देखिए, बच्चा है इसके नीचे, काफी बढ़िया कद काठी अच्छी है, हाइट वगैरह भी अच्छी है, तो देख लीजिए अटर क्वालिटी आप। इसका भी शायद अभी सौदा चल रहा है। क्या हालचाल है भैया? कहाँ से आए हो? केवटी। अच्छा, क्या कर रहे हो? भैंस की कीमत भैया? भैंस की कीमत 75,000। 75,000 कितने महीने? गाबन है खाली? खाली। अभी दूध कितना है इसका तैयार? 7 किलो। अच्छा, दोनों टाइम का मिला के कि? अच्छा, 7 किलो के आसपास में रोज का दूध है। यदि एक टाइम की बात करें तो 3 से 3.5 किलो के आसपास में बताया गया है दोस्तों दूध इसका। और करीब इसकी बात करें तो शायद दूसरे में है शायद। आपकी क्या इच्छा है भैया? आखिरी कहाँ तक हो जाएगी एक अनुमान? दादा इसके लग रहे हैं 65 लग रहे हैं अभी। अच्छा, और देख लेंगे थोड़ा बहुत करके देख। ठीक है भैया, ये बच्चा है इसके नीचे पाड़ी है, 4 दांती होंगे। ठीक है भैया। दोस्तों एक इश्वाली को देखिए, इसकी हाइट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, करीब इसकी बात करें 3rd या 4th व्यांत में होगी शायद। कदकाठी भी बढ़िया है। तो भैया आपकी है ये वाली, क्या कर रहे हो? कीमत 65,000। गाबन है भैया? हाँ, 5.5। 5.5 किलो गाबन, देख लीजिए जो 65,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी है, और 5.5 महीने के आसपास में ये प्रेग्नेंट है। तो देखिए आप, अभी वही समय की बात करें तो 9:20 हो रहे हैं अभी शायद। और दोस्तों 3rd या 4th में हो सकती है भैंस, जैसे आप देख रहे हैं अभी आज की वीडियो के माध्यम से 65,000 रुपये इसकी डिमांड बताई जा रही है। तो यदि सौदा होता है तो रेट तो कम होंगे, करीब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, 50-55 के बीच में सौदा हो जाएगा इसका। तो भैया अभी दूध निकाल दिए कि बंद कर दिया? दो लीटर देती है अभी, दे रही है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो, कौन से गांव की? अच्छा, तो क्या इच्छा है? आखिरी कहाँ तक हो जाएगी? एक अनुमान बता दीजिए कहाँ तक, आखिरी क्या कहाँ तक इच्छा है आपकी बेचने की? 61,000। ठीक है भैया, क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भैया। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से। खरीदने आए थे? माल खरीदने। कितना क्या खरीदा? खरीदी 6 भैंसे, बाकड़ी। अच्छा, किस रेंज में? 65-70-75। अच्छा, तो वहाँ पे सेल करोगे? वहाँ पे खाम गाँव मंडी। किस दिन लगती है भैया? जुमेरात के दिन। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया। इस वाली भैंस को देखिए आप, गाबन है भैया। आपकी है भैंस? क्या लगा रहे हो कीमत? क्या मांग रहे हो? के मांगने के तो 70,000। अच्छा, 70,000 रुपये, देख लीजिए। 5 महीने का बन है। 5 महीने का बन है और 70,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी है। देख 55,000 रुपये लग रहे हैं। आपकी क्या इच्छा कहाँ तक हो जाएगी? आपका क्या अनुमान? इच्छा एक ही है कि 57-58,000 की बिक जाएगी। अच्छा, 57-58,000 की इच्छा है जो बाबू जी आए हैं। कहाँ से आए हो साहब आप? अपन फाजलपुर से। अच्छा, फाजलपुर। साधनपुर। अच्छा, देपालपुर के आसपास ही है कहीं? हाँ, ये अपने धार जिले में, गोविंदपुरा। अच्छा, गोविंदपुरा। देख सकते हैं इस प्रकार की भैंस है जो 57-58,000 रुपये इनकी इच्छा है और 70,000 रुपये डिमांड रखी है। 53-54,000 के आसपास में दोस्तों बिक रही है, लग रहे हैं इसके पशु मंडी में। अभी देख सकते हैं दूध अभी बंद हो गया इसका। तो कौन से ब्यात में होगी? दूसरे में होगी शायद। आप दूसरे में? आप अभी है? अच्छा, अभी दूसरे में। हाँ, अब जानेगी, पहले में ही थी। पहले में 5-5 लीटर दूध दिया है। अच्छा, अपने घर की है? हाँ, घर की पाड़ी। अच्छा ठीक है साहब, घर की पाड़ी। एक
वाली भैंस को देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों अभी शायद बात करें हम तो सौदा चल रहा है इसका। क्या मांग रहे हो भैया? 65,000 रुपए। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने। अबे दूध कितना दे रही है? 4 किलो। अच्छा, एक टाइम 4 किलो और एक टाइम इसका 3 किलो दूध अभी का बता रहे हैं भैया, और 65,000 रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। देखिए आप अर्डर क्वालिटी कुछ नजदीक से काफी बढ़िया है दोस्तों, हाइट वगैरह अच्छी है भैंस की, और इसकी बात करें तो करीब तीसरे में हो सकती है शायद। अभी इसी का सौदा चल रहा है तो देखते हैं हम क्या होता है जी, सौदा होता है तो हम को बताते हैं जो भी होता है। क्या इच्छा है भैया आखिरी आपकी? 60,000 रुपए लग रहे हैं। 60,000 लग रहे हैं। उन्होंने कितने लगाए? उन्होंने हाँ 54,000। 54,000। आपकी क्या इच्छा है, कहाँ तक हो जाएगी? 60,000 तक हो जाएगी। ठीक है, 54,000 रुपए दोस्तों इसका लगे हैं और 60,000 रुपए बोल रहे हैं भैया कि इतने तक हो जाएगी, तो ठीक है। और यही कुछ जो भैया ने जो कीमत लगाई थी, ये 54-55,000 के लगभग की कीमत रखती है भैंस। और एक इस वाली भैंस को देखिए, क्या मांग रहे हो भैया? 55,000। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने का देखिए 55,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी गई है। 3 महीने ये प्रेग्नेंट है, और इसकी कदकाठी की बात करें तो थोड़ी छोटी है, मीडियम है। जो अभी इससे पहले वाली आपने देखी उसके मुकाबले हम यदि बात करें तो दोस्तों इस वाली की बात करें तो 45,000 के आसपास में मिल जाएगी ऐसी भैंस, और उससे एक दो 1-2,000 1-2,000 आप और कम भी मान सकते हैं। भैया अभी दूध कितना दे रही है? ये 3-3 लीटर एक टाइम। अच्छा, एक टाइम का 3 किलो। और पाड़ी दूसरे में कहाँ तक हो जाएगी भैया आखिरी? ये आखिरी है 50। 50 लगभग। ठीक है भैया, 50,000 रुपये दोस्तों इसकी बता रहे हैं आखिरी फाइनल कीमत जो लेने देने वाली होगी। लेकिन भाई जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कीमत बताई है करीब 45,000 44-45,000 में, और 1-2,000 रुपये कम हो जाएंगे इसमें यदि एक दोस्तों इस वाली भैंस को देखिए आप। क्या हाल चाल है भैया? कहाँ से आए हो? बानिया घेड़ी। कहाँ पे? अच्छा, क्या लगा रहे हो भैया कीमत भैंस की? 75,000 रुपये। कितने महीने भैया? 6 महीने। अभी दे रही है दोनों टाइम? 3 लीटर सुबह शाम को 2.5 लीटर। अच्छा, 2.5 से 3 किलो दोनों टाइम अभी दूध निकाल रही है दोस्तों, देख लीजिए। और 6 महीने ज्ञापन है ये, देखिए आप। कदकाठी मीडियम है और बॉडी अच्छी है बनी हुई। तीसरे में होगी है ना? तीसरे का तो भैया कितने क्या लग रहे हैं इसके आज? 60,000। चलिए तो 60,000 तक लग रहे हैं। आपकी क्या इच्छा आखिरी? 65,000। ठीक है, एक हमारे व्यूअर की जो कमेंट आ रही थी, धुंधड़ का पशु मंडी और जो घोसला पशु मंडी दोनों के वीडियो में कमेंट आई थी कि देपालपुर से तानी भैंस हमें बताए, तो कुछ एक दो भैंस हम आपको तानी बताएंगे आप लोगों की डिमांड पर। तो देख लीजिए बहुत बढ़िया भैंस है, कदकाठी अच्छी है और देख सकते हैं सिंगों की बनावट। क्या हालचाल है भाऊ जी? कहाँ से आए हो? अच्छा, क्या लगा रहे हो कीमत भैंस की? 1,25,000। 1,25,000 दोस्तों इसकी डिमांड रखी है। देख लीजिए ये बच्चा है, नीचे ताजी जनी है, करीब पाँच छः रोज का बच्चा है इसका। तो देखिए आप
दूध की बात करें दोस्तों तो दूध मेरे अनुमान से की बात करें तो करीब 5.5 से 6 किलो की भैंसे 6 किलो के आसपास में निकाल देगी, 5.5 से 6 किलो के आसपास में। अब उनकी बात करेंगे, पेट पुट्ठा भी देखिए आप, बहुत बढ़िया। खोल दो खोल दो दोस्तों, बॉडी भी बढ़िया है बनी हुई इसकी, देख सकते हैं आप। और देखिए अडर क्वालिटी भी देख लीजिए। देपालपुर पशु मंडी से आप तानी भैंस देख रहे हैं, अभी मंगलवार के दिन ये मंडी लगती है। कामेल बताया करो, वीडियो में भयंकर बताई दो काम तो गिराक के न्यू शूट नहीं हुई है ना, वीडियो जैसे सारी भैंस को भाग कर देते। तो आपकी क्या इच्छा है बाबू जी, कहाँ तक हो जाएगी एक अनुमान? ये 1.15 तक दे देगी। 1.15 तक। और दूध कितना क्या है अभी? 8 किलो दूध बताया जा रहा है, ठीक है बांध दीजिए, 8 किलो दूध बता रहे हैं। और मेरे अनुमान से भी 5.5 से 6 किलो के आसपास में इसका दूध होगा। कहाँ से आयो? अच्छा, आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जोरदार दोस्तों लाइक करें, शेयर करें वीडियो और एक प्यारा सा कमेंट करें। और आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी गाय की वीडियो भी हमने अभी कुछ शूट की है और कुछ बाकी रही है, तो शाम को करीब 6 से 7 बजे के आसपास में वो वीडियो भी आ जाएगी, तो वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।